नमस्कार मु शुभलक्ष्मी वेलकम करुच्ची मो चैनल एस एल टी किचन को। फ्रेंड्स आज रेसीपी स्टार्ट करने पूर्व मुझे रखुची जदि मो रेसीपी आपण मानक भल लगे तेज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमा भूल। आज रेसीपी है क्षीर पोड़ पिठा। तेज चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज रेसीपी। क्षीर पोड़ा पिठापी मुझे अरुआ चाउल नहीं बतुरे की दुई घंटा यह आम गोटे ब्लेंडर जार रे ग्राइंडिंग करदे। एबे आम अरुआ चाउल पेस्ट पाईगले एबे गोटे पैन गरम करीर किसी क्षीर दबा। मुझे हाफ लीटर क्षीर नहीं वन कप अरुआ चाउल एवं क्षीर को भल भाव सीझेबा। यहाँ एमती चलाऊ ना क्षीर उतरी जापे। एवं भल फ्लेवर पर आम गुजराती गोटे गुंड करके दबा। इटी किछि मु नड़िया को कोरी की नहीं ची, आउ किछि पीस करी की नहीं ची। एबे कोरा नड़िया को पकाई देबा क्षीर रे। आपण चले काजू किसमिस मध्ये पकाई परिबे। एटा को भल भाबरे गोळाई देबा। नड़िया ऑप्शनल अछि, आपण चले को स्किप मध्ये करि परिबे। एबे मु किछि चीनी पकाउ छी। मन रखिबे क्षीर पोड़ पिठाटा मीठा हले भल लागेनी, तो सेति पई मु अल्प चीनी पकाई छी 3 चम्मच चीनी। एबे याको भल भाव चल एबे मु स्वाद अनुसार टिके लुण पकाउची। एबे याको भल भाव गोळे देबा। एबे किछि मु गुआ घी ऐड करली भल फ्लेवर पई, जहाँकि क्षीर पोड़ पिठा रे भल बासना दे थाए। एबे आमे अरुआ चाउल को आस्ते आस्ते एमती बा हाथ पकेबा एवं डाणा हाथ एमती चलाउथिबा, नरे अरुआ चाउलटा बिंडा हो जाय थाए। जेमिति किछि लम्स रहिबोनी सेही परिभावरे एम ताको चलेबा, जाद्वारा आम जंतणीटी भल भाबरे तयार हे परिबो। एही परिभावरे आमे एमती ताको चलेबा। देखंतु मो केमिति चलाउची। एबे आमर जंतुनटा देखंतु टिके आस्ते आस्ते बहळिया हे गलानी। देखंतु देखंतु आमर जंतुनटा हे आसलानी। एमते आपण चलाउथिबे नले तळे लागि जाय पारे। से समय रे एबे गोटे जोथरे आमे पोडीबा पिठा सेथरे किछि घी नै ताको भल भाबरे मारि दबा, जाद्वारा पिठाटी आमर भल भाबरे बाहरी पारिबो। एबे आमर जंतुणी रेडी हो जाइछि पोडिया पई। एबे आमे से जगह रे आस्ते आस्ते सब तक जंतुणी पकेबा। मन रखिबे गैस को लो फ्लेम रे रखिबे, पूरा लो फ्लेम रे, नले पिठाटी आमर पोड़ी जाय पारे। मुटी गोटे एमती हांडी टाइप रो नेची, आपण चाहिले प्रेशर कुकर रे मध्ये बडी पारिबे। एबे याकु भल भाबरे साइज कर दबा, जेमती किछि गैप न रहिबो। सेथिरे आमे गार्निशिंग पाई किछि नड़िया देले, आपण चाहिले काजू दे पारिबे, किसमिस दे पारिबे, किंबा टूटी फुटी दे पारिबे, ऑप्शनल अच्छी।
ପିଠାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସଜାଇଦେବା, ଯାହାକୁ ପିଠାଟି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଏହାକୁ 25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କରିବା ପିଠାଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଥପିକ୍ରେ ଆମର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ କୁକ୍ କରିକି ତାକୁ ବାହାର ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପୁରା ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇଛେ। ଏବେ ମୁଁ ପିଠାଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ କଅଁଳିଆ ପିଠା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ବି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୋର ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ, ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।